हमारा यही है जतन, रहे स्वस्थ तन स्वस्थ मन, पिए जो अमृत मंथन, स्वस्थ हृदय स्वस्थ पाचन, स्वस्थ काया स्वस्थ श्वसन। मोहनजी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट का 80 वर्षों का अनुभव, हार्ट ब्लॉकेज कम करे और रक्तचाप नियंत्रित करे, अमृत मंथन। गैस और भारीपन में लाभकारी, अस्थमा और सांस की बीमारी दूर करे, अमृत मंथन। जोड़ों का दर्द और गठिया से दिलाए राहत, घटाए वजन, अमृत मंथन। मोहनजी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट कंपनी, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर, कैलाश प्रोविजन स्टोर कोट गेट बीकानेर, हेल्पलाइन नंबर 9251231230, विजिट www.mohanjiherbals.com। क्या बात है, आज तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शॉपिंग चलना है? नहीं। ये लो। वाओ, प्रेमजी अग्रवाल के रसगुल्ले। अब मैं ऑफिस चलता हूँ। अरे, शॉपिंग नहीं चलना क्या? दिल की बात वही जानी जो स्वाद असली पहचानी। प्रेमजी अग्रवाल, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर। का एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो ले राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपने प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर, आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। नमस्कार, मैं विद्या मित्तल और आप देख रहे हैं बीकानेर अब तक न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश के बावजूद कुछ लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे, इसको लेकर पुलिस ने सख्ती अपनाई। धारा 144 निजी वाहन पर पाबंदी के बावजूद लोग धड़ल्ले से अपने निजी वाहन लेकर सड़कों पर उतरे, पुलिस प्रशासन ने उनके मार्गों पर ये वाहन जब्त। कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए पीपा क्षत्रिय समाज सीतला गेट के अंदर समाज के बंधुओं ने मास्क वितरण किए। घट स्थापना के मुहूर्त को लेकर हमने बात की पंडित जुगल किशोर जी ओझा पुजारी बाबा से। कोरोना लेकर आया बीकानेर में पतंगों का मौसम। अब अस्पतालों में ओपीडी समय में हुआ बदलाव। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बावजूद कुछ लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस प्रशासन ने अब सख्ताई बरतनी शुरू कर दी है। कुछ स्थानों पर पुलिस हाथ जोड़कर घरों में रहने के लिए लोगों से कह रहे हैं, तो कुछ स्थानों पर पुलिस को लाठियां भी बरसानी पड़ रही है। एक बार फिर आमजन से अपील है कि लापरवाही बरतकर पुलिस प्रशासन को लाठियां बरसाने पर मजबूर न करें। जरूरी काम हो तो ही अपने घर से निकलें तथा कोरोना वायरस को हराने के लिए सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश की पालना करें। धारा 144 व निजी वाहन पर पाबंदी के बावजूद लोग धड़ल्ले से अपने निजी वाहन लेकर सड़कों पर उतरे, जिसका नतीजा ये रहा कि जिले भर की पुलिस ने कई वाहनों को सीज किए
तथा कईयों को चलान काटे। पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई के तहत नया शहर पुलिस ने 40 से अधिक दोपहिया वाहनों को सीज किया तथा गंगाशहर पुलिस ने 16 से अधिक वाहनों को सीज किया। इसके अलावा कोटगेट पुलिस ने 5 से अधिक तथा जेएनवीसी पुलिस ने 4 वाहनों को सीज किया, तो 10 से अधिक वाहनों के चलान किए गए। इस तरह नोखा, कुलायत, पांचू, नाल, डोंगरगढ़, लूनकरंसर, खाजूवाला पुलिस ने भी सरकार के दिशा निर्देशों की पालना नहीं करने वालों पर कार्रवाई की। पुलिस अधिकारियों से हमारे रिपोर्टर ने की बातचीत। लॉकडाउन किया है, उस लॉकडाउन की पालना करवा रहे हैं। अनावश्यक रूप से कोई आदमी नहीं जाए, कोई व्हीकल नहीं विचरण करे, इस बात की पालना करवा रहे हैं कि लोगों को अपने घरों में आइसोलेट करना है, घरों में रहे, बाहर नहीं आए, ताकि इस कोरोना जो वायरस है इसके संक्रमण से बचा जा सके, स्वयं भी बचे, परिवार भी बच सके। मैं आपके माध्यम से ये संदेश भी देना चाहूँगा कि आप सब लोगों में ये प्रसारित करें कि अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाएं, कोई जरूरी काम है तो जाएं, एक आदमी जाए, जितनी देर काम है उतना काम करे, वापस अपने निवास पे पहुंच जाए। कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए पीपा क्षत्रिय समाज शीतला गेट के अंदर समाज के बंधुओं ने घरों में मास्क बनाकर फ्री वितरण किए। मास्क बनाने का एक छोटा सा वर्कशॉप खोला गया है, जिसमें पीपा क्षत्रिय समाज के युवा और बुजुर्ग और बच्चे सभी बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 4-5 मशीनें लगाई गई है, जिसमें समाज के युवा बैठ करके मास्क बना रहे हैं, जो मास्क बनने के बाद आस पड़ोस में और मतलब बीकानेर में उनको वितरित किया जाएगा, निःशुल्क वितरित किया जाएगा। इसके अलावा हमारे समाज के बहुत से युवा ऐसे जो अपने घर भी मास्क बनाने के लिए लेके गए, 2500 आज की डेट में हमने बना दिए हैं, और अभी भी मतलब प्रयास लगातार जारी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब जितने ज्यादा हो सके मास्क बनाकर और निःशुल्क वितरण करें। कल से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रा घट स्थापना को लेकर हमारे प्रतिनिधि ने गायत्री उपासक पंडित जुगल किशोर ओझा पुजारी बाबा से की बातचीत। जानते हैं लेकिन नवरात्रि का मुहूर्त जो है कल सुबह प्रातःकाल जो है बुधवार को जो प्रतिपदा है उसमें दोनों चौबीस अच्छे हैं लाभ प्रमृत के, तो सुबह सूर्योदय से 3 घंटे का जो है वो घट स्थापन का मुहूर्त जो है श्रेष्ठ है। मैं आप उसके साथ साथ में भी जैसा ये महामारी का जो कारण चल रहा है उसके साथ मैं आपको कल से एक दूसरी बात बताता हूँ। कल जो नूतन वर्ष भी लग रहा है हमारा, तो उस नूतन वर्ष में भी आप सभी लोग भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे ये जो महामारी है, जैसा कि एक योग मंत्र आता है रोगान शेषान प्रणसितुष्टा रुष्टा तु का मास्क, ये रोग दोष भगवान से हम प्रार्थना करें, माँ माँ भगवती से प्रार्थना करें कि हमारे विश्व में शांति में रखे और सबको लोग जो रोग दोष हुए वो निवृत्त हुए। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ओ खाओ खिलाओ रिश्ते बनाओ, रिश्ते बनाओ, चाय मीठा या नमकीन खिलाओ, अरे राजभोग या कोई मिठाई, सोन पापड़ी क्या बात है भाई, अरे भुजिया पापड़ी या चटपटी, स्वाद लो नमकीन का, बीका राम जान वाल है स्वाद बीकानेर का, स्वाद बीकानेर का। का एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। होली पर्व के जाते ही पतंगों का मौसम आता है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते लोग शाम को घरों के छतों पर पतंगे उड़ाने के लिए चढ़ जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक नजारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को विशेषज्ञ महामारी घोषित करने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने एक दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन आने वाले समस्त चिकित्सा संसाधनों एवं जनता क्लिनिकों में ओपीडी एक समय में करने का निर्देश दिए हैं। चिकित्सक अस्पतालों में स्वास्थ्य केंद्रों में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही अपनी सेवाएं आगामी आदेश तक देंगे। ये निर्देश उपशासन सचिव संजय कुमार ने जिले के मुख्य चिकित्सक एवं
स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारियों को दिए हैं। कोरोना से बचने के लिए बीकानेर आध्यात्मिक गुरु लाल जी से हमारे प्रतिनिधि ने की बातचीत। देखो, पहले तो ये जो हमारा देश है और बीकानेर शहर, ये आध्यात्मिक शहर है। सबसे बड़ी बात इसमें है, इसमें लोग भगवान पर भरोसा करते हैं और उसी भरोसे के बल पर यहाँ के लोग जीते हैं, ठीक है ना। और बीकानेर एक मस्त शहर है जिसमें हर वक्त लोग अपने मस्ती के हिसाब से रहते हैं। फिर भी मैं सभी को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सभी को अनुरोध है मेरे बीकानेर शहरवासियों से कि आप अपने घरों में ही सुरक्षित हैं और हम भी उसी में ही सुरक्षित हैं। चलो, और अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं और उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित देखना चाहते हैं तो अभी से मेरे सहित पहले मैं संकल्प लेता हूं कि मैं अपने घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा और आप भी कहीं भी नहीं जाओगे। आप सुरक्षित हैं और आपका परिवार सुरक्षित है तो शहर सुरक्षित है, शहर सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, और देश सुरक्षित है तो दुनिया पूरी सुरक्षित है। अभी से ये ठान लो कि सब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के हमें साथ देना है और उनके केंद्र सरकार द्वारा जो भी अपील की गई है उसमें हमें पालना करनी है। कोरोना की एक ऐसी महामारी है जिससे एक यही विचार है कि इसको रोकने का एक ही तरीका है कि कोई किसी के संदर्भ में ना आए, और सरकार ये कहती है कि इसका कीटाणु 8 घंटे 12 घंटे तक है, तो इसको घर में रहने से ही उसका हम पालन कर सकते हैं और उससे बचाव कर सकते हैं। चलते चलते एक बार फिर से डालते हैं नजर आज की खास खबरों पर। सरकार द्वारा दिशा निर्देश के बावजूद कुछ लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे, इसको लेकर पुलिस ने सख्ती अपनाई। धारा 144 में निजी वाहन पर पाबंदी के बावजूद लोग धड़ल्ले से अपने निजी वाहन लेकर सड़कों पर उतरे, पुलिस प्रशासन ने उनके मार्गों पर ये वाहन जब्त। कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए पीपा क्षत्रिय समाज शीतला गेट के अंदर समाज के बंधुओं ने मास्क वितरण किए। घट स्थापना के मुहूर्त को लेकर हमने बात की पंडित जुगल किशोर जी ओझा पुजारी बाबा से। कोरोना लेकर आया बीकानेर में पतंगों का मौसम। अब अस्पतालों में ओपीडी समय में हुआ बदलाव। आज की न्यूज बस इतने ही। अब आप दीजिए मुझे इजाजत। विद्या मित्तल, नमस्कार।